नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ में। दोस्तों, इस समय जो देश की हालत चल रही है सब लोग आप जानते ही हैं। कल रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। हम लोग इस समय दो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोरोना फाइट, दूसरी आर्थिक फाइट। लेकिन दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं और जो नहीं करते उनसे भी मेरी अपील है, प्लीज इस बात को समझो। और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो बेवजह घूमने अपने रोड पर निकल जाते हैं, मेरी उन सभी लोगों से अपील है, प्लीज इस बात को समझो, प्लीज समझो इस बात को। क्योंकि आप लोग अगर घर में रहेंगे तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी हालात नॉर्मल हो जाएंगे, अदरवाइज ये लॉकडाउन पीरियड कितना लंबा चलेगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद हम लोगों की हालत क्या होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। बीमारी घर में आ सकती है, आर्थिक स्थिति की तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे बैंड बजने वाली है ही। प्लीज कोऑपरेट करें, घर में रहें, क्योंकि आप लोग जितना घर में रहेंगे, इवन मैं भी किसी विदाउट एनी जरूरी काम के, बिना किसी जरूरी काम के मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। मेरे घर का कोई भी सदस्य बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकल रहा। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी किसी भी बिना जरूरी काम के आप घर से बाहर ना निकले। रोड पे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मुजरा हो रहा है कि डांस हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अपना टीवी चलाइए, मोबाइल देखिए, उसमें डाउनलोड करिए यार, जो देखना देखिए, प्लीज लेकिन घर से बाहर मत निकलिए। बात को समझिए, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और ये हालात नॉर्मल करने का सिर्फ एकमात्र उपाय सिर्फ यही ना समझ में आ रहा है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो सब बता रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है कि यही समझ में आ रहा है कि प्लीज घर में रहो यार, इस बात को समझो। बात सिर्फ बीमारी तक लड़ने की नहीं है, बात सारे जीवन काल की है, हम लोग कितना पीछे चले जाएंगे इस बात को समझिए। अगर आप लोगों का काम 1 महीने तक बंद हो गया, कहीं से इनकम सोर्सेज नहीं हुए, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। सरकार भी ज्यादा दिन आपको कोऑपरेट करने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास भी फंड कहाँ से आएगा और कितने दिन चलाएगी सरकार, प्लीज सोचिए। कोऑपरेट कीजिए, घर में रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर मत निकलिए, प्लीज बात को समझो। जय हिंद, जय भारत।